अलीशान फैमिली ढाबा फेमस है अपने लजीज पकवान और वैरायटी ऑफ फूड के लिए, जैसे स्पेशल मटन हंडी, पेशावरी ग्रेवी, वाइट कस्तूरी, ज़ाफ़रान कबाब, अजवाइन कबाब और जामुनी कबाब के साथ स्पेशल अलीशान खब्सा, फैमिली रूम दस्तरखान, इवेंट एंड फंक्शन एंड बर्थडे सेलिब्रेशन विथ नाइस एम्बियंस, फ्री होम डिलीवरी, इजी कनेक्टिविटी के साथ बाईपास कालशेखर के सामने, अफोर्डेबल प्राइसिंग, वाइड स्पेस ताकि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। स्वाद का किंग अलीशान फैमिली ढाबा। कुत्ता भूखते रहता है जब तक हाथी देखे नहीं। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भूखे हजार। सेना का एक नेता है, वो भी ऐसे ही पागल होके सुबह में टीवी पे आता है और कुछ भी बकते जाता है। दादा ने आज तक वो शख्स को ना कभी गिना है ना गिन रहा है। सूरज के ऊपर अपन थूकने जाएंगे तो वो थूक तो अपने चेहरे पे आने वाली। एक डोंगी बाबा हमारे थाना में भी है, साथी थे हम इतने साल से। ये एक संजय राउत, इसकी और संजय राउत की इतनी अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती है, दोनों भी पागल हो चुके और कुछ भी बकते जाते हैं कि रोज सुबह आदरणीय दादा के ऊपर जो वो भूख रहा है। मैं सबसे गाली खाने वाला सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो एक ही कलवा उमरा का आमदार मुनव्वर जो फारूकी लाए उमरा में, उसको क्यों लाया गया कि वो बहुत बड़े महान पंडित है, इतने महाराज लोग है, कितने सूफी संत है जो चरस गांजा पीते। 2009 के बाद यहाँ जो MD आया जितेंद्र आवड़ के माध्यम से, MD मालूम नहीं था तो ये मोर्चा निकाल के लोगों को बताता था कि MD क्या है। अरे ड्रग्स तुमने ही लाया और तुम क्या मुहिम चलाएंगे। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक पर ड्रग्स लाने का, कुछ सबूत है आपके पास? तो जितेंद्र आवड़ ने मेरे को जातिवादी के ऊपर, शिवसेना जातिवादी पार्टी है, यही बोल के मेरे को हराया था। 2009 के बाद से तूने आमदार नीति किधर वापरा वो तो बताओ। तो पूरा कांग्रेस को खत्म करने का काम आवड़ ने किया है कि मुमरा कौसा में मुसलमानों के खिलाफ जब भी कुछ होता है तो आप वहां पर नहीं आते। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के MM अली स्टेडियम में दो दिन पहले ही कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बुलाया गया था, जो यहां के विधायक है जितेंद्र आवाड, उन्होंने बुलाया था। उस पर भी हम जो यहां के शिंदे गुट के नेता हैं राजन दादा, उनसे बात करेंगे। साथ ही नजीब मुल्ला की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें कुत्ते का जिक्र किया गया है और दादा कहा गया है कि वो कुत्ता जो है दादा को हर सुबह परेशान करता है। राजन दादा, जिस तरह से नजीब मुल्ला की जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, आपने भी वो पूरा सुना तो क्या बताएंगे? और वो वीडियो दरअसल कब की है? वो वीडियो जब कल अल्पसंख्यक का नई मुंबई में एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की वो वीडियो क्लिप है। क्या है कि आपको बता दूं कि जब ये शिंदे साहब ने जब विद्रोह किया था तो उसके बाद में शिवसेना का एक नेता है, वो भी ऐसा ही पागल होकर सुबह में टीवी पे आता है और कुछ भी बकते जाता है। बाद में अजीत दादा ने विद्रोह किया, राष्ट्रवादी अलग बोले तो राष्ट्रवादी अपने जो उनकी जो राष्ट्रवादी थी वो उनको मिलने के बाद, जैसा कि नजीब मुल्ला भाई ने कहा कि एक कुत्ता भोंकते रहता है और बोले हाथी की सूंड पड़ेगी, तो वो सच्चाई है। लेकिन मैं नजीब मुल्ला भाई से एक ही बात कहना चाहूँगा कि क्या है कि दादा हाथी है तो हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भोंके हजार। तो ऐसे कुत्ते हैं ना, वो भोंकते रहते, उससे कुछ अजीत दादा को फर्क पड़ने वाला नहीं है। नजीब भाई से मेरा यही कहना है कि ये एक तो अभी जैसे शिवसेना में संजय राउत तो शिंदे साहब के बारे में उल्टा सुलटा बोलते रहता है, सभी के बारे में बोलते रहता है, वैसा अभी ये एक संजय राउत, इसकी और संजय राउत की इतनी अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती है, दोनों भी पागल हो चुके और कुछ भी बकते जाते हैं। अभी वो सूरज के ऊपर अपन थूकने जाएंगे तो वो थूक तो अपने चेहरे पर आने वाली है। नजीब मुल्ला ने इशारा किसके तरफ किया? नाम तो उन्होंने लिया नहीं लेकिन कहा दादा को परेशान किया जा रहा है, तो किसके तरफ इशारा था? अभी आपको मालूम है महाराष्ट्र में सबसे गाली खाने वाला सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो एक ही कलवा उमरा का आमदार, तो जाहिर सी बात है और सब मालूम है महाराष्ट्र को कि नजीब मुल्ला भाई को किसको बोलने का था। अभी परसों यहाँ पर शनिचर के दिन मुनव्वर फारूकी आए थे, ठीक है, मुमरा में कोई भी आवे, सेलिब्रिटी आवे, उसके बारे में हमें उसको वेलकम करते, लेकिन
मुनव्वर राना, मुनव्वर जो फारूकी लाए मुमरा में, उसको क्यों लाया गया? कि वो बहुत बड़े महान पंडित है, या उसने, चलो कॉमेडी है तो मुमरा वालों को हंसा के गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ ये उलाउल करने का और ऐसे चीज लोगों को लाके खाली बोर्ड, अभी वहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो था वो पूरा क्राउड था, वो जो बच्चे थे जिनको मुनव्वर फारूकी के बारे में कुछ मालूम भी नहीं, कितने को तो जब आपके मीडिया वालों ने जब किसके बहुत सारे लोगों के जब इंटरव्यू लिए बच्चे लोग के, तो उनको पूछा गया आपको क्या मालूम है मुनव्वर फारूकी के बारे में, तो बोले कुछ मालूम नहीं। आपने बोले वो देखा है क्या सलमान खान का शो जो क्या बोलते हैं उसको, बिग बॉस? वो बोले नहीं देखा। तो बोले आप क्यों आए? बोले देखने को आ गए। ठीक है, देखने को आ गए, देखने की चीज़ है, देख लो। लेकिन उनको लाके मुमरा में क्या इतना पैसा तुमने खर्चा किया? आज वही पैसा अगर मुमरा वालों के बारे में अगर खर्चा करते, मुमरा वालों के लिए खर्चा करते, तो उसके लिए एक मुमरा वालों का हमेशा शुक्रिया अदा करते थे। अभी विधायक के विरोधी हैं, उनका ऐसा कहना है कि सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया, मुमरा के मुद्दों से भटकाया गया। लेकिन वही जो विधायक हैं उनका ऐसा कहना था मंच से कि ड्रग्स के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा जो अभियान चलाया जाएगा और जिसकी लीड मुनव्वर फारूकी करेंगे। अभी इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि जब लॉकडाउन लगा था कोरोना पीरियड में, कोविड काल में, तो उस वक्त मैं मेरे देखने में एक नार्कोस करके एक वेब सीरीज़ देखने में आई थी, और उसमें आप वेब सीरीज़ में देखेंगे तो वहाँ उसमें एक कैरेक्टर था जो ड्रग डीलर था, ड्रग माफिया था, पाब्लो एस्कोबार। आप अगर उसको और यहाँ के आमदार है उसको अगर देखेंगे तो सेम कैरेक्टर और सेम उनका दोनों का भी जो ये रवैया है सेम है। तो ये जब यहाँ का ये पाब्लो एस्कोबार है, ये ड्रग, आपको इससे पहले भी मैंने कहा था ड्रग मुमरा में कभी था नहीं, मुमरा में ड्रग 2009 के बाद आया। मुमरा में 2009 के बाद रिहैब सेंटर आया, क्योंकि आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुमरा में पहले लोग चरस गांजा पीते थे, लेकिन कितने महाराज लोग हैं, कितने सूफी संत है जो चरस गांजा पीते, लेकिन कभी उनको कोई रिहाब में कभी जाना नहीं पड़ा या रिहाब में डालना नहीं पड़ा। आप देखे होंगे आप कितने महात्मा संत हैं जो हिमालय में रहते, ऐसे कितने संत महात्मा हैं जो उन्होंने वो नशा करते हैं, लेकिन उनको कभी रिहाब में जाने को नहीं पड़ा। लेकिन 2009 के बाद यहाँ जो MD आया जितेंद्र आवड़ के माध्यम से, हालांकि जितेंद्र आवड़ इस चीज़ को बंद कर सकता था, इसको मोर्चा निकालना ये सब उलाउल करके उसने ये सब लोगों को, जब MD मालूम नहीं था तो ये मोर्चा निकाल के लोगों को बताता था कि MD क्या है। अभी समझो मोर्चा निकला है, किसी को मालूम नहीं MD के खिलाफ मोर्चा निकला है, तो वो पूछेगा कि ये क्या है, तो बोलेगा MD के लिए मोर्चा है। तो MD क्या है ये एक उत्सुकता जागरूक करने के लिए ये सब अवार्ड मोर्चा निकालता था और बोले MD ड्रग्स के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाएंगे। अरे ड्रग्स तुमने ही लाया और तुम क्या मुहिम चलाएंगे? अभी आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक पर ड्रग्स लाने का, कुछ सबूत है आपके पास? अरे सबूत है, जब वो विधानसभा में जब वो ड्रग्स लेके गया था तो वो उसने कहाँ से लाया था वो ड्रग्स? विधानसभा में जब उसने ड्रग लेके गया था 10 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी लेके गया था, वो ड्रग्स लाया कहाँ था, लाया कहाँ से था? तो उसके जब उसके अंटर पंटर लोग जब ड्रग्स बेचते या ड्रग्स का ड्रग डीलिंग करते तो वो उसको तो साजिक मिलता है। इसके लिए मैं आरोप नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि वो उसका ही बहुत बड़ा हाथ है उसमें ड्रग डीलिंग में, यहाँ पर नशा फैलाने में। एक आखिरी सवाल, ऐसा शहर के लोग कह रहे हैं कि राजन दादा जो है हर मुद्दे में आते, जो आपके विरोधी हैं जितेंद्र आवाड़ के समर्थकों का भी यही कहना है कि मुमरा कौसा में मुसलमानों के खिलाफ जब भी कुछ होता है तो आप वहाँ पर नहीं आते। जैसे हाल फिलहाल में शील डायघर में स्कूल का मामला हुआ, जो हितेश नाम का शख्स है वहाँ पर स्कूल के बच्चों के साथ जो नारे और लगाने का मामला सामने आया, उसके पहले भी दारुल फला मस्जिद के पास झंडा लहराने का मामला सामने आया, तो आप ये सब मामले में पीछे क्यों रहते, क्यों नहीं सामने आते? मैं पीछे नहीं रहता, मैं उसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने जो किया वो गलत किया है और उसके बारे में अगर हम लोग को कार्रवाई करने का तो हम एक मिनट में जाके कार्रवाई कर सकते, लेकिन जब पुलिस प्रशासन ये सब चीज़ें है तो उसमें हम लोग जाके कार्रवाई करना, ये गुना हाथ में लेने का। और एक बात बताता हूँ, और एक बात बताता हूँ, कोई भी मामला होता है तो आप लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं,
लेकिन जो ऐसे मामले आए, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल का मामला आया, जो भी नारे लगवाने का मामला आया, तो आप लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं पहुंचे? हम लोग गए ना पुलिस स्टेशन, हम लोग उसको बता दें, हम लोग पूरा ये बता दें कि हम लोग पुलिस स्टेशन में गए। और आपको बता दूं क्या, ये जब शाहीन बाग का जब मसला हुआ था यहाँ पर, जब दिल्ली में शाहीन बाग में लोग, हमारी माताएं बहनें, वो एक मुद्दा था उसके बारे में बैठे थे, NRC या कोई मुद्दा था ना, उसके लिए शाहीन बाग में वहाँ बैठे थे। जब मुमरा में शाहीन बाग में बैठने का जब बात आया था, तो बाकायदा अवार्ड ने पुलिस को बोल के वहाँ पर न बैठने के लिए, वहाँ पर वो शाहीन बाग का ये आंदोलन नहीं करने के लिए पुलिस को, शाहीन बाग वालों को उठाने के लिए अवार्ड ने किया था, बोला था। लेकिन मैं खुद जाके वहाँ पर शाहीन बाग वालों को बिठाए थे कि बैठो, कुछ होएगा तो मैं खड़ा रहूँगा आपके सामने। ये भी आरोप लग रहा है कि जो एक हिंदू महासभा की तरफ से कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर भी कुछ हेट स्पीच का मामला सामने आया था, आप वहाँ पर मौजूद थे? ऐसा भी कहा जा रहा है कि हेट स्पीच हुई थी और आप वहाँ बैठे थे, खामोश थे। नहीं, मैं कभी ऐसे, जो जातिवादी जो ये रहता है, अगर जितेंद्र रावत बोलता है कि मैं सेकुलर लीडर हूँ, तो सेकुलर लीडर है तो कोई दूसरे धर्म के बारे में, तुम किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना मांगता है, कोई भी धर्म है तो उसके बारे में नहीं बोलना मांगता है। अगर मैं किसी के कोई जातिवादी प्रोग्राम है तो मैं वहाँ पर जाने का ज़्यादातर टालता ही हूँ, जाता ही नहीं हो सके उतना। आप गए थे वहाँ पर? नहीं, मैं नहीं गया था। अगर कोई है आपके पास प्रूफ तो मुझे बता दो, अगर गया है तो मैं यहाँ से अभी से राजनीति छोड़ दूंगा, ये सब दुनियादारी छोड़ दूंगा। ये ऐसे जो जातिवादी प्रोग्राम रहते हैं उसमें मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है राजेंद्र किने को कोई चीज़ के ऊपर डिफीट नहीं कर सकते, कोई बात के ऊपर डिफीट नहीं कर सकते। राजेंद्र किने को सिर्फ जातिवादी के ऊपर ही डिफीट कर सकते। जब 2009 में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो जितेंद्र आवर ने मेरे को जातिवादी के ऊपर, शिवसेना जातिवादी पार्टी है यही बोल के मेरे को हराया था। लेकिन फिर 2019 में जब शिवसेना का सरकार में जितेंद्र आवर मंत्री पद के लिए क्यों गया फिर? तभी शिवसेना जातिवादी नहीं थी क्या? बताओ ना मेरे को। अरे हम लोग के ऊपर तुम जातिवादी का, मुमरा में हमको मालूम है हम बदले की राजनीति नहीं करते, हम लोगों के दिलों के ऊपर राज करते, या इसके लिए हम लोग को लोग जानते हैं, हम लोग को मानते हैं और हम लोग को पहचानते हैं। हर बार जितेंद्र रावण बोलता है मैं ये काम किया, मैं वो काम किया, क्या काम किया है? 2009 के बाद से तूने आमदार नीति किधर वापरा वो तो बताओ, कौन से वार्ड में, कौन से कलवा में या मुमरा में किधर वापरा वो तो बताओ। फिर बाद में ऐसा तुम बोलता है ये बनाया वो बना, अरे वो बनाया वो भाई, वो महापालिका का है, वो नगर सेवकों ने बनाया, वो नगर सेवक के सेवक के तालू के ऊपर का लोनी खाने का ही काम किया उसने, दूसरा क्या किया? महापालिका के माध्यम से ये सब काम हुए। और हर बार पहले से हम बताते हैं, मुमरा में जो पहले चुनके आए थे नईम खान साहब, सुभाष भोई, रामदास भगत, इन लोग जब चुनके आए थे तब निधि कितना मिलता था? 3 लाख नगर सेवक निधि है हर साल के लिए, हर साल में 3 लाख मिलता, 3 लाख में आप क्या काम कर सकते थे? उसके बाद में जब सब नगर सेवक ज़्यादा बढ़ गए मुमरा में तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, ऐसा नगर सेवक निधि बढ़ते गया। अभी पहले आप मुमरा इंग्लिश स्कूल जाओ या फिर शरीफा रोड जाओ या कहीं भी आप शादी महल रोड जाओ, जो मेरा वाड़ता था, या मुमरा में कहीं भी आप जाएंगे ना तो आपको कहीं भी रास्ता सही तरीके से नहीं था, सही तरीके से लाइट नहीं थी, सही तरीके से पानी की लाइन बिछी हुई थी नहीं। जब जब जो जो नगर से वहाँ उस वार्ड के आए उन्होंने पहले ये सब चीज़ को प्राधान्य दिया, जैसा मीटर गटर पानी, वाटर मीटर गटर और जो बोलते हैं ना, उसके लिए प्राधान्य दिया और वो सब काम हुए। अभी जितेंद्र आवाड़ आया है, अभी निधि भी बढ़ गया है और उसके ऊपर वो बोलता है कि मैंने, अरे नगर सेवक का तेरा कौन सा एक लेटर तो बता तूने, कौन से काम के लिए मुमरा के, कौन से काम के लिए दिया? अभी 2007 में, 2005 में मैं सभागृह नेता था, तब मैंने स्टेडियम का प्रस्ताव रखा था महासभा में, बाकायदा उसका पूरा मेरे पास ये है, पूरा प्रूफ है, पुख्ता सबूत है। 2000 महासभा में मंजूरी मिलने के बाद जब 2007 में मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना, तब मैंने उसको बजट का प्रोविजन करके वो स्टेडियम बना के लिया। जब 2011 में स्टेडियम बन के रेडी हुआ था तो वहाँ पर कोई इतना नुकसान हो रहा था उसका, तो जब संजय मोरे महापौर थे तो संजय मोरे को बोला कि वहाँ पर स्टेडियम रेडी हुआ है और वहाँ पर पूरा वायरिंग तोड़ना, ये वो सब संडास बाथरूम के सब ये तोड़ना, दरवाजे तोड़ना, ये सब पूरा बहुत बुरा हाल हो गया था।
फिर संजय मौर्य को मैंने बोला वहाँ पर सुरक्षा रख, फिर सुरक्षा रखने के बाद फिर उसका उद्घाटन करने के लिए मैंने संजय मौर्य को ये किया कि इतना इतना बड़ा अच्छा एक वास्तु बन गया है, उसका उद्घाटन होके वो लोगों के लोगों में समर्पित होना चाहिए। तो उसके बाद में उसका उद्घाटन हुआ। आपको बोलो 2007 में मेरे पास प्रूफ है, यहाँ पर एक आपका एक पत्रकार साथी रहता था संकेत पाठक, बाकायदा उसके पास पूरा प्रूफ है। जब मैंने 2007 में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, हमारे MOH केंद्र साहब थे आरोग्य अधिकारी और ADTP राणे साहब थे, उनको मैं मित्तल में लाके बाकायदा जब हॉस्पिटल का जगह का जो ये लेने का था पूरा जगह का मालूमात लेने का, तो मैंने वो रिजर्वेशन प्लॉट को मैंने ये किया था कि वो हॉस्पिटल का जगह का प्लॉट हैंड ओवर करने के लिए ये करने के लिए अपने ताबे में लेने के लिए ये करो। तो ये सब चीज़ें, तो आवर ने कौन सा काम किया वो तो बताओ मेरे को। काम किया उसने, मुमरा में ड्रग लाने का काम जरूर किया, मुमरा में बदले की राजनीति करने का काम जरूर किया। अगर तुम राष्ट्रवादी में नहीं है तो तुम दूसरे पार्टी में नहीं सकते। एक और बात बताता हूँ, आज जो कांग्रेस के दम के ऊपर चुनके आया 2009 में, कांग्रेस कहाँ है मुमरा में बताओ ना। तो पूरा कांग्रेस को ख़त्म करने का काम आवर ने किया है। फिर भी कांग्रेस वालों से मेरी यही कहना है कि इससे आगे आप सावधान रहिए। आपके जितने नगर सेवक थे उसमें एक यासीन कुरैशी जो चुन के आता है कांग्रेस का नगर सेवक, वो अपने बलबूते पे चुन पे आता है। मोतीराम भगत जो चुन के आता है वो अपने बलबूते पे आता है। हालांकि कांग्रेस को ख़त्म करने का काम जितेंद्र आवर ने मुमरा में किया है, और इस बात को कांग्रेस वाले ने जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से जो यहाँ के विधायक है उन पर कई गंभीर आरोप जो शिंदे गुट के नेता है राजन की ने उन्होंने लगाया है। क्या है कि मैंने हर बार आरोप लगाता हूँ, लेकिन मेरे आरोप का जितेंद्र आवड़ एक भी बार जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? ठीक है, मेरे को समझता होगा कि मैं, लेकिन मैं जो सच्चाई बोलता हूँ उसके बारे में उसको कोई बोलने के लिए उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। अगर वो बोलता है कि राजन की ने झूठ बोलता है, तो मैं कुछ सवाल, मैं हर बार यही कहूँगा कि हर बार मैं जो सवाल पूछता हूँ वो पूछूँगा, हर बार जो मैं सवाल पूछूँगा या वो मेरे को बोलेगा कि मेरे को तुम्हारे साथ में बात करने का या डिबेट करने का, तो मैं कुछ बातें के लिए कुछ सवाल करूँगा, तो उसके लिए उसने NOC दिया देने का, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग के लिए, तो मैं समझूंगा कि वो सच्चा है, यानी डिबेट करने का। हाँ, तो साफ तौर पर आपने सुना कि जो यहाँ के विधायक हैं और शिंदे गुट के जो नेता है राजन कीने का चैलेंज है कि जो यहाँ के विधायक है वो उनसे कहीं पर और कभी भी डिबेट कर सकते हैं।